छतरपुर जिले के बमीठा में हुई 12 लाख रुपए के सोने चांदी की चोरी का आज एसपी सचिन शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। इस पूरे मामले में बमीठा पुलिस की बड़ी कार्रवाई और पुलिस इस पूरे मामले में सक्रिय हुई और 2 घंटे के अंदर 12 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरा सहित आरोपी को धर दबोचा। इक्कीस और 22 तारीख की रात्रि में कस्बा बमीठा के रमाकांत और पप्पू सोनी की दुकान से सोने चांदी के जेवरा कुल कीमत करीब 12 लाख रुपए किसी अज्ञात चोरों द्वारा दुकान की शटर के ताले काटकर चोरी कर ले गए थे। पुलिस को चोरी की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अरविंद सिंह डांगी ने घटना की सूचना एसपी छतरपुर सचिन शर्मा को दी। एसपी के निर्देशन पर बमीठा पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई। पुलिस ने अपने मुखबिर सक्रिय कर सभी थानों को सूचना भेजी कि एक सफेद रंग की ओमनी वैन जिसका नंबर DL-3CVL-4251 को घटना के समय दुकान के आसपास देखा है। जिले के सभी थानों की पुलिस ने नाकेबंदी की, तभी सूचना प्राप्त हुई कि उक्त ओमनी वैन नौगांव की तरफ गई है। ओमनी वैन का बमीठा पुलिस द्वारा लगातार पीछा किया गया और नौगांव पुलिस के सहयोग से ग्राम पजवारा टोल प्लाजा के पास उक्त ओमनी वैन को रोककर एक आरोपी गणेश पिता रामपुरी गोस्वामी उम्र 45 वर्ष निवासी भंडारी थाना सखरखेड़ी जिला बुलढाणा महाराष्ट्र को घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। ओमनी वैन की तलाशी लेने पर चोरी गए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। सोने के जेवरात वजनी करीबन 200 ग्राम चांदी के जेवरात वजन करीब 5 किलो कुल कीमत 12 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। घटना घटित करने वाले 2 अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। छतरपुर जिले के थाना बमीठा अंतर्गत एक दुकान से बहुत भारी मात्रा में सोना चांदी चला गया था जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 12 से 15 लाख की है। इसमें जिस वाहन का इस्तेमाल हुआ था या जिस पर हमें संदेह था वो दिल्ली नंबर की थी और पूरे ज़िले में नाकाबंदी की गई और जब वाहन को रोका गया शुरुआती तलाश की गई तो उसमें से नहीं मिला। इन लोगों ने एक अलग से पैनल बनाया था इस गाड़ी के अंदर जिसमें सारा माल बाद में बरामद हुआ। इसमें 2 थानों की टीम बमीठा और नौगांव ने जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और सफलता पाई। इसमें जो एक आरोपी है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोग अभी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। कौन लोग सर ये और क्या मूवमेंट रहा है सर? जी ये पन्ना की तरफ से आ रहे थे, दिल्ली की तरफ इनको जाना था और शुरुआती रेकी इन्होंने हो सकता है 1-2 दिन पहले की हो और जैसे ही इन्हें लगा कि इस दुकान में सामान पर्याप्त मात्रा में है उन्होंने दुकान पे कटर के द्वारा पहले तो ताले काटे, उसके बाद वहाँ से सामान चुराया, फिर गाड़ी में जो इन्होंने पैनल बनाया था उसमें छुपाया। पर ये जो तत्परता रही सूचनाकर्ता जो फरियादी हैं उन्होंने पुलिस को तुरंत बताया। पुलिस ने फिर सभी जो जिले की बल है उससे संवाद किया, बातचीत करी और उसके बाद इस वाहन को रोकने में सफलता पाई। जी अभी तक पहले तो जो बाकी आरोपी हैं उनका पता चला है। ये सब लोग दिल्ली के दरियागंज में वहाँ कहीं सोते हैं, रेडी वगैरह लगाते हैं और कुछ बड़ा करने की इच्छा से, खासकर किसी अपराध को अंजाम देने की इच्छा से ही ये लोग निकले थे रेकी करने के हिसाब से। और यदि इनको ना रोका जाता तो शायद कुछ आरोपी दिल्ली के थे, कुछ महाराष्ट्र के थे, एक अंतर्राज्यीय गिरोह था जो और बड़े स्तर पर भविष्य में काम करता। राज मीडिया 80 सच का प्रहरी है। सच दिखाना और सच बताना हमारा कर्तव्य है। हम मिर्च मसाला नहीं,
हम तीर की तरह सच दिखाते हैं। राज इंडिया 18 आपकी ताकत बने और हम आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर खबर को शेयर जरूर करें। नमस्कार।